भाई उसका कुछ गेम डेड नहीं है जो मैं उसको ये कर दूं, मैं बेंच कर दूं वगैरह। भाई। सी भाई जोनाथन आपका दोस्त है क्या? हाँ भाई दोस्त है ना मेरा जोनाथन। मैं ऑलमोस्ट सारे जो पहले से प्लेयर्स खेलते हैं उन सबको मैं स्टार्टिंग से जानता ही हूँ, जब से मैं खेल रहा हूँ। मतलब सेकेंड PMCO से मैं 16 साल का हो गया था, तो मतलब तब से मैं एलिजिबल था खेलने के लिए। वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था लैन इवेंट, फर्स्ट ऑफिशियल एंड फर्स्ट टूर्नामेंट इन जनरल ऑफ पबजी मोबाइल। तो वहाँ पे जाके मैं सारे जो भी आप OG प्लेयर्स देखते हो उन सबसे मिला था, और सिंस दैट डे मैं सबसे जान सबसे मतलब दोस्ती है ऐसा बोल सकते हो। जी गॉड का देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी BGMS में जो जो मिस्टेक्स हुए हैं उसके ऊपर वर्क करेंगे जितना भी होगा, क्योंकि सबको मिस्टेक्स पता है जो आप बोल रहे हो ना उसमें से आधे मिस्टेक्स हमको भी पता है और प्लेयर्स को भी पता है, तो उसके ऊपर वर्क करेंगे और BMBS में फुल ट्राई करेंगे अच्छा परफॉर्म करने का। भाई उसका कुछ गेम डेड नहीं है जो मैं उसको ये कर दूँ, मैं बेंच कर दूँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक ही प्लेयर को टारगेट कर रहे हो अभी भी, अरे उसके अंदर से जीतने की भूख मिट गई, ऐसे थोड़ी होता है। जितनी भूख मिट गई होगी तो खेलेगा ही नहीं खुद से, ये कैसे नहीं? वो ऐसा बंदा नहीं है कि फिर जीतने की भूख नहीं है तो फालतू में आके बैठेगा और खेलेगा, ऐसा नहीं है उसका। देखो ग्राइंड करके ट्राई कर सकते हैं और मेरे को भरोसा है अभी भी पूरी टीम पे। और देखो कौन प्लेइंग फॉर वगैरह खेलेगा वो पंग डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली वो मैं नहीं करूँगा अभी, बट इस BMBS में फुल प्रैक्टिस के साथ एंड ग्राइंड के साथ एंड जो भी जो माइंड सेट लेके जाएंगे वैसा। और पंक में वो एटीट्यूड है गाइस, नेवर गिव अप वाला, लास्ट मैच तक नहीं करता है वो गिव अप। एक होता है ना रिजल्ट आने के बाद ही वो सोचता है कि हाँ अभी रिजल्ट हो गया, अभी नहीं जीत रहे, तो उसका तब तक का ट्रायड रहता है एंड बहुत अच्छा है वैसे माइंड सेट। कुछ लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलोगे बट भाई वो माइंड सेट होता है विनिंग वाला।